तो बेटा वी आर स्टार्टिंग अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 12 दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है जिसके कारण क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या थी, एल्डिहाइड एंड कीटोन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है सर, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। व्हाट इज इट, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड सर। अब एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड की हमने रिएक्शन करवाई थी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल ने किसके ऊपर अटैक किया था, कार्बन के ऊपर अटैक किया था। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो हमारे पास रिएक्शन कैसी हो रही थी, आर सी एच, नीचे कौन आ गया था, न्यूक्लियोफाइल, और ऊपर क्या था बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर लेता था, अटैक कर लेता था। बट दीज आर द ऑल रिएक्शंस व्हिच वी कवर्ड इन अवर लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट अ स्मॉल कैच विद दिस दैट इज विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा ही सर, लेकिन साथ के साथ वाटर भी क्या होगा, लॉस होगा। तो इन दिस रिएक्शंस मेनली द रिएक्शन अकर विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इन रिएक्शंस के अंदर बेटा जनरली हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया के साथ और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। तो सर अमोनिया क्या होता है और उसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है। तो अमोनिया तो बेटा हमें पता है क्या होती है, अमोनिया गैस कौन सी होती है, NH3 होती है। अब बात करें अमोनिया के डेरिवेटिव्स की, तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं बेटा, दिस वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अमीन्स। कि अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दूं तो दैट इज नोन एज अमोनिया डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर मैं इसकी जगह दो ग्रुप्स लगा दूं दैट इज NHZH, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अमोनिया डेरिवेटिव। इसके साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो द जनरल रिएक्शन इन्वॉल्व इज, जो जनरल रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है बेटा वो कौन सी होती है, कि मान लो यहाँ पे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर, दैट इज एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, NH2Z। तो ये NH2 जो है बेटा ये किसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन के ऊपर यहाँ पे अटैक करता है, और ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको, हाइड्रोजन को। किसके हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्रोजन को। और ये वाली बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास कैसे बनता है बेटा, आर सी एच, नीचे क्या आ गया बेटा, NH Z आ गया, और ऊपर क्या आ गया बेटा, OH। क्लियर है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल की। साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, आर सी एच, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाती है, डबल बॉन्ड, और साथ में क्या अटैच है बेटा, जेट। आ गया समझ में, तो दैट आर द नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स रिएक्शंस। ये जो बेसिक मैकेनिज्म है बेटा सभी रिएक्शंस के अंदर फॉलो होगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लीजिए। यही मैकेनिज्म फॉलो करके हमें जनरली सारी रिएक्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ध्यान से देखो। इसके बाद हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन से बेटा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि सर हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है, इसके साथ भी तो रिएक्ट करके वाटर बना सकता है। नहीं बेटा, दैट इज नॉट अ एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज कनेक्टेड टू एन कार्बन एटम, एंड दिस इज योर एसिडिक हाइड्रोजन व्हिच इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, एंड एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्लियर है, देन वी हैव रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। अच्छा, ये हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्राजीन, नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये कंपाउंड्स ना याद नहीं रहते, तो इनको यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोक्सिलामीन, तो हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और अमीन मतलब अमोनिया, लेकिन अगर OH ग्रुप आ रहा है तो एक हाइड्रोजन गायब होगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, NH2OH ग्रुप।
दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिलामीन। अब हाइड्रोक्सिलामीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड के साथ। मान लो सी एच थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके साथ हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, तो क्या रिएक्शन होगी जल्दी से बताइए। अभी अभी बताया मैंने आपको कि जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, ऑक्सीजन किसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को, और ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो क्या बनेगा, सी एच थ्री कार्बन, ऊपर क्या आ गया बेटा, ओ एच ग्रुप, यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन, और नीचे क्या आ गया, एन एच ओ एच, क्लियर है। अब सर यहाँ पे ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, क्या होगा, एच टू रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एच टू रिमूव हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, सी एच थ्री कार्बन हाइड्रोजन, नीचे नाइट्रोजन के साथ कैसी बॉन्ड बना लेगा बेटा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखी है, ओ एच के साथ। दिस प्रोडक्ट इज मेनली नोन एज ऑक्साइम, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो हाइड्रोक्सिलामीन जो है ये क्या था बेटा, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन, एक अमीन ग्रुप लगा हुआ है, क्लियर है। तो हाइड्रोक्सिलामीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइम के अंदर, जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, एल्डिहाइड के साथ, क्लियर है, आ गया समझ में। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास एक और रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। अगर हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। तो फिर से वही चीज है हमारे पास, सी एच थ्री कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं NH2 के साथ। जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर इस रिएक्शन को करिए, बहुत इजी रिएक्शन है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हो गई होगी बेटा सभी की, कॉमन रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन है। तो जनरली क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, यहाँ पे सर हमारे पास नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन किसको गेन करेगा, हाइड्रोजन आयन को, ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, सी एच थ्री, साथ में क्या आएगा, कार्बन, ऊपर क्या आएगा बेटा, OH आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन आएगा, नीचे हमारे पास क्या है बेटा, NHOH, सॉरी NH, NH2, यहाँ पे आएगा हमारे पास NH2। अब सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप है, क्या रिएक्शन होगी जल्दी से बताइए। यहाँ पे हमारे पास ये जो OH ग्रुप है, ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वॉटर बना लेगा, तो वाटर बना लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर तो बाहर हो जाएगा, वाटर बाहर हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, सी एच थ्री बचेगा, एक तो सी एच थ्री के साथ कार्बन, साथ में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन,
और एक डबल बॉन्ड बन जाएगी किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट है, एनएच टू ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है बेटा? सो दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्राजोन। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, जो किससे मिलके बना है बेटा, ये क्या था, हाइड्राजीन था। तो हाइड्राजीन को हाइड्राजोन में कन्वर्ट कर देता है कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है? और हाइड्रोक्सिलामीन को किसमें कन्वर्ट करता है, हाइड्रोक्सिलामीन को किसमें कन्वर्ट करता है, ऑक्साइम के अंदर, अभी अभी किया है बेटा। क्लियर है? हाइड्रोक्सिलामीन को किसमें कन्वर्ट करता है, ऑक्साइम के अंदर। दिस इज योर हाइड्रोक्सिलामीन एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इट इज नोन एज ऑक्साइम। सो देन वी हैव एन अनदर कंपाउंड दैट इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन। अगर फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हाइड्राजीन क्या बन रहा है, हाइड्राजोन बन जाएगा। बस साथ में क्या कनेक्ट है, आपकी बार फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है, तो फिनाइल ग्रुप कनेक्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और ये किससे कनेक्ट होगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, फिर से भाई हमारे पास क्या होगा, एनएच ग्रुप होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कनेक्ट है, तो नाइट्रोजन एक किससे कनेक्ट होना चाहिए, एनएच टू ग्रुप से कनेक्ट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितनी वैलेंसी फील्ड है, एक और दो, दो वैलेंसी फील्ड है, तीसरी किसके साथ होगी, हाइड्रोजन के साथ। तो एनएच टू ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब करके यहाँ पे फिनाइल लगा दूं तो क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन बोलेंगे। फिनाइल हाइड्राजीन के किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एल्डिहाइड के साथ। जल्दी से देखिए क्या रिएक्शन होगी, जल्दी से बताइए बेटा क्या रिएक्शन होगी, नोटबुक के अंदर सॉल्व करिए इसको, फिर से हाइड्राजोन बनेगा। बहुत आसान रिएक्शन है, हो गई बेटा, वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल सी रिएक्शन है बिल्कुल। फिर से सर हमारे पास क्या कनेक्ट होना है, नाइट्रोजन तो किससे कनेक्ट होना है, कार्बन से, और हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, CH3, साथ में क्या रहा है, कार्बन। कार्बन के साथ क्या रहा है बेटा, हाइड्रोजन। ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, OH। नीचे हमारे पास क्या आएगा बेटा, नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट है बेटा, एक तो बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है। क्लियर है? और एक नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्ट है बेटा, एनएच टू ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अब सर यहाँ पे OH जो है उसको क्या चाहिए, एक एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा सर, एसिडिक हाइड्रोजन तो बेचारे के पास बचा ही नहीं, नहीं बचा ना। चलो इस नाइट्रोजन के पास नहीं बचा है, इस नाइट्रोजन के पास तो है हाइड्रोजन, इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, CH3 कार्बन, साथ में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। नीचे क्या है बेटा हमारे पास, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, NH ग्रुप लगा हुआ है। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे कौन सी रिंग लगी हुई है बेटा, बेंजीन रिंग लगी हुई है। क्लियर है, आ गया समझ में? अब सर इस नाइट्रोजन की तीन वैलेंसीज फिल है, इस नाइट्रोजन की क्या है, तीन वैलेंसीज फिल है, लेकिन इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसीज फिल है, ओनली टू वैलेंसीज फिल है। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है, ये फिनाइल ग्रुप हमारे पास उठ के कहाँ पे चला जाता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है।
क्लियर है। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से मैंने बेंजीनिंग उठा दी और ये बेंजीनिंग मैंने कहाँ लगा दी बेटा, नेक्स्ट एनएच ग्रुप पे लगा दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, बेंजीनिंग आ जाएगी। ये बेंजीनिंग कंप्लीट है। अब ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन है इसने एक वैलेंसी किसके साथ बना रखी, हाइड्रोजन के साथ। एक वैलेंसी यहाँ पे फिल्ड है और एक वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट कर ली, बेंजीन के साथ। तीनों वैलेंसी फिल्ड है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है इसकी एक दो ही वैलेंसी फिल्ड है और इस कार्बन की एक दो तीन वैलेंसी फिल्ड है। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। एंड दिस कंपाउंड इज मेनली नोन एज फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं बेटा इस कंपाउंड को, फिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं। आ गया समझ में, दैट्स ऑल अबाउट दिस कंपाउंड। आफ्टर दैट वी हैव एन अनदर कंपाउंड दैट इज नोन एज 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन। तो फिर से वही है। चलो सबसे पहले ना अपने स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट करना है। तो फिनाइल है पहली बात, तो हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड की। अब बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे, क्या लिखना है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप पे क्या लगा हुआ, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मतलब NH और NH2। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2 और 4 पे तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, 1। यहाँ पे क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप। ये 3 है तो यहाँ पे भी क्या लगा होगा, NO2 ग्रुप। 2,4-dinitrophenylbenzene, सॉरी हाइड्राजीन। इसकी रिएक्शन करवानी है, जल्दी से करिए नोटबुक्स में, देखते हैं क्या रिएक्शन होगी। बिल्कुल आसान है बेटा, सेम रिएक्शन होगी। होगी होगी बेटा, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है। तो फिर से वही रिएक्शन होगी बेटा, कार्बन के ऊपर कौन आएगा जल्दी से बताइए मेरे को, नाइट्रोजन आएगा। तो इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन गेन करना चाहेगा सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3, साथ में क्या आएगा, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने किसको गेन करना चाहा, हाइड्रोजन को। और ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ के कहाँ पे आ गया, कार्बन पे। तो कौन से वाला नाइट्रोजन आया है, ये वाला नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन आ गया सर, इसका हाइड्रोजन कहाँ गया बेचारे का, ओ के साथ गया। अब इसके साथ कौन कनेक्ट है बेचारा, NH2 ग्रुप कनेक्ट है, NH2 ग्रुप कनेक्ट है। नीचे क्या है बेटा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 2 और 4 पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड पोजिशन, यही है क्या, यही है ना बेटा। नहीं सर, कौन सी है, ध्यान से देखिए, ये वाली पोजीशन नहीं है, इसीलिए मैंने इसको डॉट किया था, इससे नीचे वाली पोजीशन है। तो NO2 ग्रुप कहाँ पे आएगा, 2 पे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NO2, और 4 पे क्या है, NO2। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपको पता है मैंने अभी अभी रिएक्शन करवाई थी, यहाँ से OH जो है इसको कौन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन का है, इसके पास तो नहीं है, किसके पास है, इसके पास है। तो ये हाइड्रोजन को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। तो उसके बाद ये बेंजीनिंग क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, इस वाले ग्रुप पे। क्लियर है। तो इस वाले ग्रुप पे अगर ये बेंजीन शिफ्ट हो रही है, तो हमारे पास जनरल रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। OH तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2O बन गया सर। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, CH3, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, OH बेचारा जा चुका है। नीचे क्या है सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कौन है, NH ग्रुप है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका गेन कर चुका है। और ये बेंजीनिंग कहाँ पे आ चुकी है, NH के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, एक बेंजीनिंग है, और बेंजीनिंग के 2 और 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर है।
तो आप ध्यान से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, एक वैलेंसी फिनाइल के साथ और एक वैलेंसी इस नाइट्रोजन के साथ, तीनों वैलेंसीज फिल है क्या? बिल्कुल सर। ये जो नाइट्रोजन है, इसकी एक वैलेंसी, दो वैलेंसी, कितनी वैलेंसी फिल है? दो वैलेंसी फिल है। तो एक वैलेंसी और बनाना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन और, एक बॉन्ड और बनाना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है बेचारा बॉन्डिंग वाला। कार्बन की एक दो तीन, तीन वैलेंसी कितनी बनाता है? चार। एक इलेक्ट्रॉन इसका भी खाली पड़ा है, बीच में क्या बन जाएगी? डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखो, सिंपली हमें क्या करना है, लास्ट में क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट करना है? हाइड्रा जोन में। यही काम करते हैं। बस यहाँ पे तो एक लंबा चौड़ा ग्रुप लगा दिया गया, दैट इज नोन एज 2,4-dinitrophenyl, जो एज इट इज कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें चेंज सिर्फ क्या करना है? हाइड्राजीन करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन। क्लियर है बेटा? सो दिस इज द रिएक्शन। हाँ, तो ये हमारे पास 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है? 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन बना है। और ये जो बनेगा बेटा, ये किस फॉर्म में बनेगा? ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, अगर हम एल्डिहाइड को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो। देन वी हैव एन अनदर रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। किसके साथ रिएक्शन है बेटा? सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सेमी कार्बाजाइड क्या होता है सर। अच्छा, सेमी कार्बाजाइड के साथ क्या बनेगा? सेमी कार्बा जोन बनेगा। तो फिर से रिएक्शन करेंगे हम, दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, साथ में क्या लगा हुआ है हमारे पास? एच लगा हुआ है। क्या नाम होगा इस प्रोडक्ट का, जल्दी से बताइए? एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को किसके साथ रिएक्शन करवाना है? सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, क्या समझ आ रहा है आपको इस कंपाउंड से? बना सकते हो इसको? कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो बेटा, एक वैलेंसी खाली यहाँ पे हमारे पास क्या है? NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी कार्बाजाइड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास एक चीज क्या है? फ्री है ना? एक तो हमारे पास NH2 है लास्ट में, यहाँ पे हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है? NH है, लेकिन इसके साथ एक और ग्रुप आएगा, कौन सा? NH2। क्लियर है? तो इसकी रिएक्शन करवानी है, फिर से बता दीजिए क्या रिएक्शन होगी जल्दी से। ऑक्सीजन किसको गेन करेगा? कहाँ है हाइड्रोजन? ये रहा सर। तो इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा। नाइट्रोजन किसके ऊपर कनेक्ट हो जाएगा बेटा? कार्बन के ऊपर। क्लियर है? तो जल्दी से करिए इस रिएक्शन को अपनी नोटबुक्स के अंदर, बहुत आसान रिएक्शन है। तो बेटा ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? OH। OH किसके साथ कनेक्ट है? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ और क्या कनेक्ट है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सी एच थ्री ग्रुप। नीचे क्या जाएगा? नीचे क्या आएगा बेटा? एन, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो कहाँ चला गया? OH के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा सर? हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज NH, उसके साथ क्या कनेक्ट है? C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या कनेक्ट है बेटा? NH2।
अब ये ओ एच एच के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना चाहिएगा, वाटर। हाइड्रोजन का है सर ये रहा, तो अगर यहाँ पे ना होता तो किससे करता, नेक्स्ट वाले से करता, और ये पूरा ग्रुप कहाँ चला जाता, नेक्स्ट वाले पे चला जाता। तो यहाँ पे हमारे पास ओ एच ने हाइड्रोजन के साथ काम दिखाया और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, वाटर। क्या बचा है जल्दी से बताइए, एक तो हमारे पास सी एच थ्री बचा है, सी एच थ्री के साथ कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ओ एच है क्या, नहीं सर ओ एच चला गया। नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बचा है क्या, नहीं सर हाइड्रोजन ने ओ एच के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, वाटर। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, साथ में एन एच बचा हुआ है, साथ में सी डबल बॉन्ड ओ बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या है बेटा एन एच टू है, तो इसकी एक दो वैलेंसीज फिल है, तो एक क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है, तो ये हमारे पास सेमी कार्बोजाइड था, दिस प्रोडक्ट वॉज सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड ने किसकी फॉर्मेशन करी बेटा, सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन कर ली। क्लियर है, सो दैट वॉज द लास्ट अमोनिया डेरिवेटिव। तो हमने पढ़ा बेटा हाइड्रोक्सिलामीन किसके साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामीन क्या बनाएगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वाला हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है, हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच ग्रुप और साथ में क्या लगा हुआ है, अमीन। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइम की। क्लियर है, देन वी हैव हाइड्राजीन। हाइड्राजीन किसकी रिएक्शन, हाइड्राजीन किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा, हाइड्राजोन की। आफ्टर दैट थर्ड प्रोडक्ट इज फिनाइल हाइड्राजीन। तो अगर फिनाइल आ गया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, फिनाइल हाइड्राजोन की। क्लियर है बेटा, उसके बाद मान लो एक और ग्रुप लगा दिया, 2,4-dinitrophenyl, 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन, तो ये भी किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन की। कोई दिक्कत बेटा इसमें, नहीं है सर। आफ्टर दैट फिफ्थ जो है हमारे पास वो कौन सा था, अब ये भी पढ़ा सेमी कार्बोजाइड, तो सेमी कार्बोजाइड किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, सेमी कार्बाजोन की। क्लियर है, तो दैट वर द अमोनिया डेरिवेटिव्स जिसके साथ हमने एल्डिहाइड को क्या किया, रिएक्ट किया, और ये इसके अंदर क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। क्लियर है, सो ये बेटा हमारे पास अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन से पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन के बाद हम किसकी फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन के बाद हम क्या देखेंगे बेटा, रिडक्शन देखेंगे। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा, वी आर स्टार्टिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एल्कोहल की क्या करवाते हैं, मान लो यहाँ पे आपके पास एल्कोहल है, दैट इज आर ओ एच। अगर एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन से एल्कोहल। तो अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर है, तो वी गेट एसिड, हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अल्काइल ग्रुप यूज्ड। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने अल्काइल ग्रुप कौन सा यूज किया है, लेकिन हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एसिड की ही फॉर्मेशन होगी। क्लियर है, तो कीटोन्स ऑल्सो गिव एसिड्स बट वी गेट मिक्सचर्स। कीटोन्स भी एसिड्स देते हैं लेकिन वहां पे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। देयर वी विल कंसीडर एन अनदर रूल दैट इज नोन एज पॉपअप्स रूल कीटोन के केस में, लेकिन एल्डिहाइड में हमें जनरली सिंपल क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जनरल रिएक्शन होगी, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच,
इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया KMnO4 के साथ। अब मुझे बताओ KMnO4 कैसा रिएजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, मतलब इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी इसने, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, तो एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आ जाएगी। यहाँ पे क्या बना लेगी बेटा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो था ही, यहाँ पे क्या बन गया, OH ग्रुप बन गया, RCOOH। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ रिएक्ट करवाया जब एल्डिहाइड के साथ, किसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जिसने इसको एल्डिहाइड को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कीटोन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या मिलेंगे, मिक्सचर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो हम पढ़ेंगे, क्लियर है? सो ध्यान से देखिए बेटा, formed is in accordance with Popov's rule. तो ketone formed is in accordance with Popov's rule. ketone जो है वो किसके according product की formation करता है, Popov's rule के according. तो सीधा ketone का ही है, यहाँ पे aldehyde के एक दो example देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये जल्दी से solve करिएगा अपनी notebooks के अंदर, CH3 C double bond O hydrogen is reacting with KMnO4. जल्दी से करिए। उसके बाद हमारे पास आएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O H इज रिएक्टिंग विद K2Cr2O7। आफ्टर दैट C3H7 इज रिएक्टिंग विद LiAlH4। जल्दी से इन तीन रिएक्शंस को कंप्लीट करिए बेटा। दैट इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज द रिएक्शन नंबर 2 एंड दिस इज योर रिएक्शन नंबर 3। जल्दी से हो गया होगा बेटा सभी का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा सर, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, C2H5 C डबल बॉन्ड O K2Cr2O7 इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा, OH। क्लियर है? एंड देन वी हैव LiAlH4, ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, C3H7 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्लियर है, आ गया बेटा समझ में? तो बेटा ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स करते हैं कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Ar2CR2O7 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, LiAlH4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। We have only two reducing agents that are LiAlH4 and the another one is NaBH4. दो ही reducing agents हैं, ये इसको reduce करेंगे, reduce करेंगे तो यहाँ पे क्या provide करेंगे, hydrogen provide करेंगे, not oxygen. Hydrogen provide करेंगे बेटा, ये वाली bond क्या हो जाएगी, break हो जाएगी। एक hydrogen किसको मिलेगा, oxygen को, और एक hydrogen किसको मिलेगा, carbon atom को। तो यहाँ पे हमारे पास carboxylic acid की formation नहीं होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास C3H7 है, साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बन, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन ने किसको गेन कर लिया, हाइड्रोजन को क्या बना लिया, OH। और नीचे हमारे पास कार्बन के ऊपर भी क्या आ चुका है, हाइड्रोजन आ चुका है, किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्कोहल की। एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विल गिव प्राइमरी एल्कोहल, आया याद?
ध्यान रखिएगा कि रिएजेंट कौन सा दिया है। अगर ये रिएजेंट रिड्यूसिंग है तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर ये रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग है तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर। देन वी हैव कीटोन्स। अगर कीटोन्स रिएक्शन करते हैं तो कीटोन्स किसका किस रूल को फॉलो करेंगे बेटा, पॉपअप रूल को। पॉपअप रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इट कीटोन्स गेट ऑक्सीडाइज इन सच अ मैनर, कीटोन इस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा दैट द कीटो ग्रुप रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। कीटोन ग्रुप किसके साथ रहेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। कीटो ग्रुप किसके साथ रहेगा बेटा, स्मॉल अल्काइल ग्रुप के साथ। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए, जनरली होता क्या है, बिल्कुल आसान सा है, आप एक बारी में ही समझ जाओगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 या फिर C2H5 ले लेते हैं। क्लियर है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, KMnO4 के साथ। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये किस कौन है बेटा, कीटोन है या एल्डिहाइड है, कीटोन है सर। सेकेंड वन इज, मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या गया, C3H7, इसको रिएक्ट करवाया K2Cr2O7 के साथ। क्लियर है। देन वी हैव अनदर रिएक्शन, ये मेरे पास क्या है, C2H5 C डबल बॉन्ड O C3H7, इसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, कोलिंस रिएजेंट के साथ, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। या फिर कोलिंस टेस्ट तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसमें आप देखोगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। तो यहाँ पे PCC ले लेते हैं, पायरेटिन या पॉलीक्लोरोब्रोमेट। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी रिएक्शन है। छोटे वाला ग्रुप तो एज इट इज चला जाएगा, यहाँ देखो C2H5 बड़ा है या फिर CH3 बड़ा है, C2H5 बड़ा है, छोटा कौन है, CH3 है, तो CH3 ग्रुप एज इट इज चला जाएगा। CH3 और क्या बना लिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH बना लिया, आया समझ में। लेकिन जो बड़े वाला ग्रुप है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा इससे एक छोटे वाले ग्रुप में, जैसे C2H5 है तो C2 है, C2 से छोटा क्या होगा, C1 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्लियर है। अब यहाँ देखो, इनमें से छोटे वाला कौन सा है, CH3 है या C3H7 है, CH3 है, तो CH3 वाला क्या चला जाएगा, एज इट इज क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्यों बनाया, क्योंकि कीटोन की क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और बड़े वाला क्या होगा, छोटे वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। C3 से छोटा क्या होता है, C3 से छोटा क्या होता है, एक C2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। C2 के साथ हाइड्रोजन कितने आते हैं, 5, और साथ में क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्लियर है। लास्ट वाली रिएक्शन नोटबुक में करेंगे सभी, जल्दी से नोटबुक में करके इसके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करो बेटा। थर्ड जो रिएक्शन है बहुत आसान है, पॉपअप रूल ही लगाना है आपको। हो गया बेटा। तो ध्यान से देखो, इसमें जो बड़े छोटे वाला है, छोटे वाला कौन सा है, C2 छोटा है या फिर C3 छोटा है। इधर देखो, कौन से वाला छोटा है बेटा, C2 वाला छोटा है या फिर C3 वाला छोटा है, C2 वाला छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास C2 वाला जो है वो तो एज इट इज चला जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O OH। चेंज कौन होता है, बड़े वाला, तो बड़े वाला कौन सा है बेटा, C3H7।
तो बड़े वाला C3H7 है, तो C3H7 से जस्ट एक छोटा कौन सा होगा, C2H5 ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में OH ग्रुप। क्लियर है बेटा? सो दैट्स ऑल अबाउट द पॉपअप्स रूल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड अवर अमीन्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी आउट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड द मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।